हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। ठीक है, तो अभी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि MCC.NIC.IN, ठीक है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। ओके, आप लोग देख सकते हैं, शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर द नीट 15% ऑल इंडिया कोटा डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एम्स एंड जिपमर एसिक एंड AFMC MBBS BDSC 2020। ओके, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है आप लोगों का, उसका रजिस्ट्रेशन यू कैन सी, ओके, 27 अक्टूबर टू 2 नवंबर तक चलना है, अप टू 5 PM ऑफ 5 PM ऑफ 2 नवंबर, 2 नवंबर के 5 PM तक चलेगा, ओनली एज पर सर्वर टाइम। ठीक है, पेमेंट फैसिलिटी आप लोगों के अब 2 नवंबर तक ही रहेगी, 7 PM तक। ठीक है, ओके, चॉइस फिलिंग आप लोगों की 28 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, ओके, 2 नवंबर तक। उसके बाद सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा 3 से 4 नवंबर के बीच में। उसके बाद रिजल्ट आपका 5 नवंबर को होगा, रिपोर्ट करना होगा आपको कॉलेज 6 से 12 नवंबर के बीच में। ओके, सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो 18 नवंबर से स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन उसका 22 नवंबर तक, पेमेंट आप लोगों की 22 नवंबर के शाम 5 बजे तक होगा। उसके बाद देख सकते हैं कि सेकेंड राउंड की, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग की जो डेट होगी स्टार्ट 19 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में होगी। उसके बाद सीट अलॉटमेंट 23 नवंबर टू 24 नवंबर और रिजल्ट 25 नवंबर और फिर आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा 26 नवंबर टू 2 दिसंबर। ओके, एंड फिर उसके बाद ट्रांसफर और नॉन रिपोर्टिंग एंड नॉन ज्वाइनिंग वैकेंसी टू स्टेट कोटा। फिर उसके बाद फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, उसके बाद जितनी भी सीट बचेंगी वो सारी की सारी आप लोगों की जो भी वैकेंट सीट बची स्टेट कोटा में चली जाएगी, जो कि 3 दिसंबर को स्टेट कोटा के उसमें चली जाएगी। ठीक है, ओके, फिर इसके बाद मोपअप राउंड फॉर सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी एम्स एंड जिपमर के लिए दे रखा है कि 10 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ओके, 3 PM तक, ओके, 5 to 5 PM ऑफ 14, 14 दिसंबर के 5 बजे तक पेमेंट होगी। ओके, उसके बाद सीट लॉकिंग देख सकते हो आप लोग 11 दिसंबर टू 14 दिसंबर तक। उसके बाद सीट अलॉटमेंट पूरा शेड्यूल रिलीज कर दिया है, जाओ ये वेबसाइट डालना MCC.NIC.IN। ठीक है, उसमें आप लोगों को पूछेगा नीड यूजी काउंसलिंग, तो यहाँ पे नीड यूजी काउंसलिंग में डालोगे तो काउंसलिंग शेड्यूल आप लोगों को दे रखा है यहाँ पे। आप लोग काउंसलिंग का, एक सेकंड रुकिए, ये डाउनलोड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को काउंसलिंग स्कीम भी पूरी समझा रखी है कि क्या क्या काउंसलिंग स्कीम रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ओके, ये देख सकते हैं आप लोग, पूरी डिटेल्स इसमें दे रखी है। ओके, हो सका तो मैं इसमें एक पर्टिकुलर वीडियो, इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मान रखा है और क्या क्या चीज़ें हैं, पूरी डिटेल्स का जो इसका पूरा समअप करके मैं आप लोगों को दे दूंगा, जाके आप लोग एक पूरा अच्छे से इसको रीड कर लो। ठीक है, 50 pages हैं तो आराम से इसको बैठ के रीड करो कि क्या क्या कैसे कैसे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होनी है, अलग अलग कॉलेजेस में स्टेट लेवल की कैसे काउंसलिंग होनी है, पूरी डिटेल्स तुम लोगों को दे रखी है। ओके, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल आप लोग देख सकते हो। ओके, चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। शेड्यूल आपकी जो स्टार्ट होगा 27 अक्टूबर से स्टार्ट होगी आप लोगों की काउंसलिंग, आज 22 तारीख होगी, तो एक बिग अपडेट है। ओके, और मैं अपने टेलीग्राम पे पूरी डिटेल्स अपडेट्स देता रहूंगा, टेलीग्राम ग्रुप सब लोग जरूर ज्वाइन करके रखो, सारी अपडेट्स और सारे जो सेशंस होते हैं उसके लिंक, सारी अपडेट्स के लिंक्स, ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम पे दे देता हूँ टाइमली। आप लोग यूट्यूब नहीं भी चेक करते बट टेलीग्राम की पोस्ट तो चेक कर सकते हो, तो वहाँ पे आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, नहीं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अवरल ब्लॉग सर्च करो और आप लोगों को टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लो वहां पे। ठीक है, चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आगे कोई भी अपडेट होगी और 2021 के लिए आप प्रिपेयर करें, 2022 के लिए प्रिपेयर करें, तो आगे भी हम लोग वीडियोस लेते रहेंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सब लोगों को पता चल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।